आज एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है जी। एंड खाली टाइम में कीप ऑन एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट शेट। और विस्की तो हमारे पास गोल्डन विंग्स है, आई होप आई साउंड गुड। गोल्डन विंग्स जो कि आई है हमारे पास हरियाणा करनाल से, यानी घातक होने वाली है। पिकैडी एग्रो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस ऑफ इंडिया, बिल्कुल इंडिया का माल खरीदें, चाइना से बिल्कुल नहीं आई है। स्पिरिट ऑफ ईस्ट, तो मेरा भाई बैठा है, भाई पानी डाल दिया उधर यार। और साथ साथ ना आपसे मेरे को एक और बात भी करनी है जी, वो है कि बोल दे काट दो। हाँ वो तो रही है। तो वो है कि अभी एक ध्रुव राठी की वीडियो देखी थी उन्होंने, जिसमें वो कॉन्स्पिरेसीज के बारे में बोल रहा था। हेलो हेलो, तो ध्रुव राठी की वीडियो थी कॉन्स्पिरेसी वाली, जिसमें वो बता रहा था कि कई लोग ऐसी ऐसी बातें मानते हैं, और कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट वो होते हैं शायद जो अकेले रह जाते हैं, तो वो ऐसे कह रहा था। तो अभी इंडिया में बहुत लोगों को पता नहीं है कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट, वैसे तो बहुत पता भी होगा पर बहुत लोगों को नहीं पता, तो वो कैसे ऐसे कह रहा था। पर ठीक भी है, कई लोग बाफालतू की हवा भी फैलाते हैं, है ना, और लाखों रुपए का नुकसान भी होता है हर लाइन में, अफवाहों से तो बचना ही चाहिए। प्रॉफिट भी होता है किसी को, सही बात, किसी का नुकसान तो किसी का प्रॉफिट। तो फिर अभी ध्रुव राठी की बात करते थे ना, एक लगा ध्रुव राठी तो पूरा पीर बोलता है ना। जय भैरव। तो बड़ी हार्श है भाई, बड़ी टाइट है मामला, गड़बड़ लग रहा है इसका, और पूरे हरियाणा के पानी की है पता लग रहा है मुझे, हथनी कुंड बैराज की, जो वो दिल्ली को देने को बार बार पना करते रहते हैं, और जब बाढ़ आती है तो कहते हैं अच्छा दे देंगे भाई, नहीं तो टूट जाए। हाँ तो ध्रुव राठी की बात कर रहा था मैं, तो वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उसको जो लोग पागल समझते हैं, मैं पूरी तरह पागल नहीं समझता, और बाकी पागल होना बहुत ज़रूरी है सच्चाई के पीछे अगर जाना है। तो अब इसका करंट एग्जांपल है सुशांत सिंह राजपूत। कई लोगों को उसकी डेथ सुसाइड नहीं लगती है ना, वो मर्डर लगता है, और मेरे को भी लगता है। अब क्या है, मैं बोलूँगा तो अब वो कहेंगे एविडेंस लाओ, मैं एविडेंस नहीं ला सकता। तो जब तक एविडेंस नहीं आएगा तो उसको क्या माना जाएगा, कॉन्स्पिरेसी। तो ये प्राइम एग्जांपल है अभी कॉन्स्पिरेसी का। ऐसे ही कई लोग मून लैंडिंग पे सवाल उठाते हैं, और कई लोग फ्लैट अर्थ के लिए सपोर्ट करते हैं। तो इन दोनों ग्रुप्स में जो साइंटिफिक है और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है, इनमें लड़ाइयाँ होती रहती है। हम तो खैर महादेव को सपोर्ट करते हैं, बट मैं इनकी बात बता रहा हूँ। कई लोग कॉन्स्पिरेसी को बिल्कुल बकवास मानते हैं, पर ऐसा है नहीं। अभी अगर पता हो तो अमेरिका में कई कॉन्स्पिरेसी चल, सबसे ज़्यादा वहीं चलती है, वहीं से आती है। तो वहाँ पर चाइल्ड सेक्सुअल ट्रैफिकिंग होती थी, जिसमें हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, ऐसे सब बंदों का नाम था। और विकी लीक्स है जो जूलियन असांजे वाली वेबसाइट है जो सबको एक्सपोज करता है, उसने भी इसके बारे में एक्सपोज किया था, और ये प्रूफ हो गया था कि हिलरी क्लिंटन ने हज़ारों ईमेल डिलीट करे हैं जिसमें उसकी डिटेल्स थी। उस कॉन्स्पिरेसी का नाम था पिज़्ज़ा गेट। जब दिल्ली पुलिस इतना कुछ कर सकती है तो आप NYPD पुलिस का तो हिसाब देख लो ना। तो कॉन्स्पिरेसी ये थी कि लोग उसको पहले बचकान चूतियाबंदी मानते थे, बट एंड में पता लगा कि एक आइलैंड बना हुआ है पूरा, उसको कहते थे एप्सटाइन आइलैंड। वहाँ पे ये सारे बड़े बड़े लोग जाते थे, पार्टी करते थे, और वहाँ बच्चों की जो सेक्स ट्रैफिकिंग होती थी, और ये भी कहा गया है कि वो बच्चों को खाते भी थे। और अमेरिका में सबसे ज़्यादा बच्चे गायब होते हैं, इंडिया में बहुत बच्चे गायब होते हैं,
छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने बच्चों के अलग अलग नाम रखे हुए थे। बाल तो चलो कोई बात नहीं, तो उन्होंने छोटे छोटे नाम रखे हुए थे, टैग कोड रखे हुए थे। जैसे वो यंग बॉय को कहते थे पिज्ज़ा, आई नीड अ पिज्ज़ा, मैं ईमेल तेरे को भेजूंगा, आई नीड अ पिज्ज़ा, इसका मतलब मुझे एक बॉय चाहिए। तो ऐसी चेन्स एक्सपोज हुई हैं, तो जिसको सिर्फ लोग कॉन्स्पिरेसी कहते थे वो एक्सपोज होने के बाद ऐसी होती है, एक टाइम पे वो कॉन्स्पिरेसी होती है। तो ध्रुव राठी वहाँ कई परसेंट मुझे गलत लगे, हालांकि मैं उनका फॉलोअर हूँ और मुझे काफ़ी बातें उनकी सही लगती हैं, वो निष्पक्ष बोलते हैं अमूमन। किसका? अच्छा, ध्रुव राठी का। नहीं, मैं भी फॉलोअर हूँ उसका, तो जो उसके फैन है वो बुरा ना माने, पर मैं कॉन्स्पिरेसीज की बात कर रहा था ना आज। सब्सक्राइबर्स तो गेन कर ही सकते हैं उसके नाम पे। हाँ, हम उसके नाम पे सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हैं, और पर ठीक है, हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है ना भैया। जो सब्सक्राइबर हमें दारू ने दिए ना, वो फिर आपको पता है कि कौन है वो, प्यूडीपाई, उसके पास भी नहीं है सीधा, फिर उसके पास भी नहीं है भूषण कुमार के पास, उसके पास तो फेक है। सॉरी भूषण ब्रदर, प्लीज, आपको भी नहीं है? सर क्या हुआ सर, छड़ रखी है तुसी? छोड़ रखी है आपने? हाय घर में मित्र। हाँ, मोदी जी का मैं फैन हूँ, और जब वो आते हैं, और बस जब वो आते हैं तो मैं टीवी के सामने बैठा होता हूँ और स्टेटस लिख रहा होता हूँ कि ये बात मानी है, ये बात ना मानी है। हाँ, तो कॉन्स्पिरेसीज पे थी ना आज की हमारी जो थीम चल रही है, तो कॉन्स्पिरेसीज ये है दोस्तों। तो मैं जैसे ध्रुव राठी ने एक्सप्लेन किया कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ऐसे होते हैं कि उन्होंने लाइफ में कुछ किया नहीं और वो प्रूव करना चाहते हैं, इसलिए वो अपने मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं ताकि वो दुनिया को प्रूव कर सके कि हम भी कुछ हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता भाई, जब आप दूसरे पक्ष को वो ही नहीं दोगे, मनगढ़ंत कहानियाँ क्या होती? सही बात है। अब जैसे हम कहें कि ध्रुव राठी कुछ करता नहीं है, यूट्यूब पे बैठा रहता है तो है ना, फिर हम भी तो कहेंगे भाई तूने क्या किया, तो ये मुझे अच्छी नहीं लगी उसकी बात। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अच्छा रिलायबल सोर्स, रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन लेके देते रहो, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी अपना पक्ष रख रहा है। हाँ, जैसे न्यूज़ है, अब न्यूज़ आपका जी न्यूज़ है, NDTV है, इंडिया टीवी है, हम सब देखते हैं, बट मैं तो ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करता यार। जैसे मैंने एक फोटो भेजी हुई थी, हाँ जी, कई लोग NDTV वालों को वो कह रहे हैं बॉयकॉट, हाँ, बंद करने के लिए मांग कर रहे हैं। कोई भी बंद नहीं होना चाहिए, दो पक्ष हमेशा चलने चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई अलग बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं है वो आतंकवादी है या देशद्रोही है, और अगर कोई हक में बोल रहा है किसी सरकार के, इसका मतलब ये नहीं है वो भक्त है। दिल्ली प्रदेश के जो वो थे भाजपा नेता मनोज तिवारी, उनको हटा ही दिया गया पिछले 5 साल से, तो वो भी ठीक थे, वो ठीक थे तो हटाया क्योंकि सबको पता है वो ठीक नहीं थे, और सबको पता है 5 साल से जब वो इलेक्शन था तब तो ठीक ही थे वो। हाँ, जब वोटिंग होती तब तो मनोज तिवारी था वो, जब वो तो इलेक्शन से एक दिन पहले कह रहे थे कि भाजपा की 48 सीटें आ रही हैं। प्रूफ हो गया ना कि कोई आपके साथ नहीं। हाँ, ये प्रूफ हो गया कि कौन मादर चौध हमरे माल को फसावला। चलो, तो बहन की लौड़ी। अच्छा, हाँ, इसके बारे में भी डिबेट चल रही थी। एक इंग्लिश गाना है, मूव बिच गेट आउट ऑफ द वे, तो उसका ये हिंदी वर्जन माना जा रहा है, चल हट बहन की लौड़ी। तो देसी गानों को सहयोग करें देसी चीज़ों का, और ये गाड़ियों में चलाएं दोस्तों, बिना डर चलाएं, कोई डर नहीं है, बस मास्क पहन लें, मास्क और कॉन्डम का इस्तेमाल करते रहें ताकि आगे बच्चे ही ना हो, उनको मास्क ना लगाना पड़े। सो वी गोल्डन विंग्स निहायत ही कड़वी है, इसकी मैंने पी रखी है, मुझे याद आ गया। तो जिनको स्वाद पसंद है या तो वो उसमें आइस क्यूब गिराते रहें या ये मत लाएं। ये 100 कितने रुपये का माल है, 115 रुपये का माल है और बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मैं तो ऑल सीज़न लेने गया था पर मिली नहीं, मैंने कहा चल कोई नहीं यार, मेरे को तो आपसे बातें करनी है, दारू का कोई नहीं, दारू कल भी आ जाएगी। तो ये मेरा विचार था कॉन्स्पिरेसी के बारे में, है ना। तो मैं तो दोनों पक्षों को सुनता हूँ, और ब्लाइंडली तो मैं चाहे आप साइंस का कोई भी वो ले आओ, मैं फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि तारे का नाम आपने तारा रखा है, लाल का नाम आपने लाल रखा है,
सूरज का नाम आपने सूरज रखा है। अब आप कहोगे तू चला जा फिर ऊपर देखने सूरज क्या है, ठीक है तू जा सकता है, वहाँ मैं नहीं जा सकता। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मैं मान लूँगा कि जो आपने कह दिया। तो नीचे उतारनी मुश्किल हो रही है गोल्डन विंग्स, क्योंकि संपूर्ण चखना भी नहीं है हमारे पास, बट स्टिल। और कैसा माहौल है सर दिल्ली का, आप बाय रोड घूम के आए हैं? बहुत बेकार है, क्या हुआ? लोग घूम रहे हैं, मैं भी आज शक्तिनगर, कमला नगर, जवाहर नगर हो गया। डर है लेकिन, डर तो होना चाहिए, डर इज गुड, डर इज नॉट गुड, फ्रीडम है लेकिन वो है कि डरा के भी रखा हुआ है, वो डरा के गवर्नमेंट ने अपने लिए हमारे लिए रखा है, बट कहीं ना कहीं चीज खत्म होनी चाहिए, चीज खत्म और सिस्टमैटिक होनी चाहिए। ये बात तो अच्छी है कि लोग साफ सफाई का ध्यान रखें, बट मैंने सुना है ज़्यादा मास्क पहनने से भी प्रॉब्लम होती है। ये एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ज़्यादा घर में रहोगे वो भी खराब है, माइंड लोगों के डिस्टर्ब हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है भाई, कि घर में जो बैठे हैं, जो जिन लोगों को बहुत ही काम करने की आदत थी, जैसे किसी के फादर हैं या किसी के दादाजी हैं या कुछ हैं, हैशटैग बाहर निकलना जरूरी है। और हम सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार को हमारे लिए व्यवस्था करनी बहुत ज़रूरी है, ना कि गरीबों पर डंडे बरसाने। हालांकि बहुत पुलिस वालों ने और बहुत लोगों ने अच्छा काम भी किया है, कर ही रहे हैं बेचारे लगे हुए हैं, सबकी रिस्पेक्ट है, बट जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके लिए भी आवाज़ बनना ज़रूरी है। नहीं समझाएं, एक्सप्लेन करें, कई हमारे बाहर के फॉलोअर हैं उनको नहीं पता दिल्ली की। जब दिल्ली में 700 एक्टिव केस थे, तब पुलिस एक आम जनता जब घूम रही थी तो उन पे डंडे मार रही थी, चलान काट रही थी। ओके। और आज वही एवरेज डेली के दिल्ली में 20,000 केस आ रहे हैं, सारे आराम से बाहर घूम रहे, तो कोई दिक्कत नहीं। बुरा उनके साथ हुआ जो पिटे उस टाइम, कहीं ना कहीं मन में तो अन्याय हो चुका है, अन्याय तो हो चुका है भाई साहब। बाकी नई 20,000 तो नहीं आ रही अब, तो आई थिंक केजरीवाल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। काम किसी ने भी कराओ, 20-19 आ तो रहे ना। नहीं 20,000 नहीं आ रहे, बहुत कम आ रहे हैं। 19-15 सर मैं कह रहा हूँ 1,000 भी आए और क्या पता। हाँ, मैं आना भी एक भी आना बेकार है, बट आना ही नहीं चाहिए, या आना नहीं चाहिए, कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए। पर यही है, अपने दिमाग से चलो। अगर कई लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है कुछ, बात यह है कि अगर बेवकूफ़ी भी हो रही है तो बेवकूफ़ी में आप अपनी जान क्यों गवाओगे, मत गवाओ ना। बिल्कुल, आप सेफ चलो, काम करो, पर अपने हक जानो दोस्तों, जागना बहुत ज़रूरी है, भागने से ज़रूरी जागना ज़रूरी है। हाँ हम तो भाई बहुत ही होप कर रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर और मैं, क्योंकि ये तो हम और ये तो आपको पता है शाम को परिंदे बन जाते हैं, उड़ते रहते हैं, कभी यहाँ चौगा चुकते हैं, कभी वहाँ खाते हैं, कभी वहाँ पीते हैं। सर थोड़ी सी आपको कड़वी लगेगी, आपने मोटा बनाया, मोटा बन गया, इट्स ओके। तो बिस्की पे दोबारा आते हैं जी, क्या फायदा जब विंग्स गोल्डनर लगे आपको? गोल्डन विंग्स तो रात को पता लगेगा जी, अभी तो मेरा थोड़ा सिस्टम भी उल्टा है, मैं रोटी बाद में खाता हूँ, कई लोग पहले खाते हैं फिर दारू पीते हैं, हम पैदा उल्टे हुए थे शायद। इसकी स्मेल ही बड़ी गंदी है, स्मेल भी बहुत गंदी है, तो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर स्मेल लवर, दिस इज़ लाइक द मोर खराब वर्जन ऑफ रॉयल स्टैग, डोंट ट्राई इट, एंड इफ यू वांट ट्राई इट तो जट का मुकाबला जट 10 महीनों कितने सिद्धू मूसेवाला का गाना लाओ, फिर आप ट्राई कर सकते हो शायद। और 5-7 मिनट इससे भी हो सकती है, और ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ये पेश किया अनु मलिक ने। यस, अभी वो एयर रहमान से याद आया, वो सुशांत की नई पिक्चर का म्यूजिक एयर रहमान ने दिया, सो दिल बेचारा जरूर देखना, वो मूवी फ्री है डिज्नी हॉटस्टार वाली ऐप पे, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि इतने लोगों की मेहनत लगती है उसमें, और एक
बात चाहे डिजिटल ही है बट है कि वो ट्रेलर जो कल आया है वो वर्ल्ड का मोस्ट लाइक ट्रेलर हो चुका है, जो कि एंड गेम तक को पीछे छोड़ चुका है। गेम ऑफ थ्रोन्स या एवेंजर्स? मैं थोड़ा टैग एवेंजर्स एंड गेम। ओके, तो उसने एवेंजर्स एंड गेम्स को पीछे छोड़ दिया दोस्तों। तो लेकिन कई सलमान खान के फैंस वहां डिसलाइक भी कर रहे हैं। कोई बुराई नहीं है, सलमान खान के फैन भी यार, ऐसी बात नहीं है यार। बजरंगी भाईजान बड़ी अच्छी है। बजरंगी भाईजान तो अच्छी है, लेकिन वो बेचारे सात बंदों का क्या दोस्त था? कौन से ये सलमान भाई ने कहा था यार मुझे सलमान खान का नाम मुझे लगता है अभी इन्होंने उछाल दिया। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम होता ही रहता है। चलो वो हिरण की गलती। हाँ हिरण की गलती तो कोई हिरण की तो भाई कोई गलती नहीं, उसमें तो हमारे बिश्नोई समाज बहुत गुस्से में है। कोई बात नहीं, गलतियाँ मतलब पुतला के जो भी कह लो, पैसे वालों की गलतियाँ माफ हो जाती है। बट ठीक है यार, उसने किया भी है लोगों के लिए और लोगों का लिया भी है शायद। सलमान खान का मैं भी बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। फैन तो एटीट्यूड भी लोग कहते हैं बहुत गंदा है या कुछ है, बट नहीं ठीक है। बट कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ नेपोटिज्म का एक बहुत बड़ा वो है, वो पिलर। नेपोटिज्म का पिलर है क्योंकि एक बात सुनील शेट्टी की बेटी। हाँ वो तो बेकार है, सॉरी। पांचोली जो भी है वो, हाँ मुझे नहीं पसंद होता वो तो कुछ है ही नहीं, वो सबको पता है। इवन मेरे को वरुण धवन भी सही नहीं लगता, सही बोलो तो। कई मूवी बदलापुर अच्छी है, उसने ऐसा काम करा है। ऐसे तो सोनम कपूर ने नीरजा में अच्छा काम करा है। इट्स ऑल अबाउट स्क्रिप्ट यार। बट फिर भी जो सलमान खान ने, अब सलमान खान ऐसे तो तुषार कपूर भी एक लेजेंड बन चुका है बिना वॉइस वाला आर्टिस्ट। अब मेरा मानना है उसने पहले भी कई खराब करी है, जो आप कह रहे हो उसका तो काम बहुत अच्छा है, बंदा भी अच्छा है। हाँ पैसे वाला भी है, पैसे वाले से नहीं, नहीं उसके पापा भी हैं बॉलीवुड में। पैसा तो अभिषेक बच्चन के पास भी है। बिल्कुल, पैसा तो सनी लियोन के पास भी है। बिल्कुल, पैसे से नहीं होता, इज्जत से होता है दोस्तों। तो मेरे दोस्त को आप सुन ही रहे हैं, आपको पता है वो सलमान खान के कितने बड़े समर्थक है। लग नहीं रहे आपको, बट इट्स ओके, क्या करें, बड़े बड़े लोग हैं। अब आप कमेंट में लिखेंगे सलमान भाई की ऐसे, मतलब जो भी आप पता है आप लिखेंगे। हाँ भाई के फैन बहुत हैं, भाई ने मैं तो भाई डिजिटली पैसा बहुत करा है। भाई का फैन तो अर्जुन कपूर भी था, भाई की भाभी लेके भाग गया। अब नहीं है ना, लेकिन अब पूछो अर्जुन कपूर। बट एक बार सोचो कि वो जब गाना चलता होगा टीवी पे, मैं तो सुपर मैन और सलमान खान उसको देखता हुआ कहता हुआ भेड़ के लोड़े। इनको मेरे हिसाब से ये लोग नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये मशीन है यार, बट मैं फिर भी अप्रिशिएट करूँगा, उसने बहुत लोगों की ज़िंदगी बचाई भी है और वो तो चलो ठीक है, पैसों का अच्छा उपयोग भी किया है और खराब तो बहुत लोगों ने करा। शाहरुख ने, अब नेपोटिज्म की बात है, ऐसी जिमी शेरगिल से पूछा गया। नेपोटिज्म की बात हो रही है, यहाँ बचाने की बात नहीं हो रही। अच्छा, पर एक हाँ चलो, एक बार जिमी शेरगिल से पूछा गया था, पॉज करो। तो एक बार जिमी शेरगिल से पूछा गया था यही सवाल, तो उसने कहा नेपोटिज्म में इतनी बुराई नहीं है क्योंकि कल को हमारे भी बच्चे होंगे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा। वो तो ठीक है, हाँ हाँ, बट आप किसी से छीन के किसी को दे दो। ये तो यार ये अब मीडिया गॉसिप्स पे इतना भरोसा कैसे करें? नहीं नहीं नहीं, साइन हुई बहुत लोग कह रहे हैं, बट जो भी है देखो वो इसलिए लग रहा है क्योंकि सुशांत का साथ काफी बुरा हुआ, जो कह रहे हैं महेश भट्ट और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी। मैं फिर भी कहूँगा मीडिया ब्लास्टिंग ज़्यादा है। अब देखो टैलेंट आया, नवाजुद्दीन आया ही आया ना, नवाजुद्दीन जैसा कोई एक्टर नहीं है। टैलेंट आया, इरफान खान आया ही आया, कोई रोक नहीं पाया। हाँ मैं वो तो है ही कि बहुत लोग नहीं आ पाते हैं, तो हमसे ज़्यादा कौन जानता है। तो आ गए ना, वैसे तो हम 150 करोड़ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दो ही तो आए, तीन ही तो आए। तो फेमस भी दो चार ही हैं, और कौन है? शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, इवन खुद और आमिर खान। मुझे तो शुरू के 12 साल तो मुझे एक अवार्ड तक नहीं दिया। अक्षय कुमार तो बहुत तेज बंदा है, उसकी बात किसी और पॉडकास्ट कोई और करेंगे। उसका शाहरुख खान के साथ भी यही था, हम इशारा इसलिए कर रहे हैं सर कि बना दीजिए। अच्छा मदमस्त कर दिया है इसने हमें, और मैं आपको पहले बता दूं नशा खास है इसमें कुछ, और गोल्डन विंग्स है। आप एंजल बन जाएंगे जीसस के इसको पी के। अब जीसस वाले बुरा मत मानना यार।
यहाँ तो सब कुछ चलता है। अमेरिका नहीं है। हाँ यार ये तो मैं भूल ही गया कि कहीं हम जहाँ हम जो भोगन का शो देख देख के कुछ और ना भोग ले यहाँ पे। आप जो रोगन का शो देखते हैं सर या मतलब जो रोगन नहीं जानते आप कौन है? ये एक टकला है सर जो इधर उधर सी बातें करता है, बहुत लोग बुलाता है आपको अगर पता हो तो। मोदी जी तो ये काम करते हैं। चैनल हमारा बंद होने वाला है दोस्तों, ये थी हमारी आखिरी वीडियो। मोदी जी फिर भी यार मोदी जी बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं। हाँ मोदी जी बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं। रोगन साहब तो आपने बादाम रोगन सुना है? उसका भाई है जो रोगन। आपने ध्यान दिया कभी कि जब वो पीएम से हटेंगे तो उनका यूट्यूब चैनल चल रहा होगा? हाँ पीएमओ की ऐप चल रही होगी। हाँ वो तो स्पॉन्सर लिए जाएंगे बीजेपी को। मोदी जी तो घूम रहे होंगे दूसरे देशों में अभी। कितनी कंट्रीज बची हैं मैं उसको ढूंढ के बताऊंगा। मोदी जी नाम नहीं होना मैंने सुना है कि डेमोक्रेसी में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी यहाँ हम अपना 1,00,000 रुपए का चलान ना भरे तो हमारी गाड़ी उठा के ले जाते हैं। 1,00,000 सॉरी 1,00,000 का चलान कह रहा हूँ। एक लोन लोन या 13,000 करोड़ देने वाले आराम से। नहीं सबको पता है सिस्टम खराब है। तो जजिस को भी पता है, पुलिस को भी पता है, आम लोगों को भी पता है। आप 1,00,000 के लोन की बात कर रहे हैं, किसानों का ट्रैक्टर उठा के ले जाते हैं। उनको पता है किसानों के पास कुछ नहीं है। बिकली शायद बोला था उन्होंने कि हमने 9,000 या 90,000 फार्मर्स के अकाउंट में 18,000 रुपये डाल दिए। अच्छा उसकी तो खैर हम चेक करेंगे फिर बताएंगे। हनी सिंह वापसी आ रहे हैं। हनी सिंह ने जो बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन की है वो लाजवाब है सर, बहुत ही मच्छी है। इसकी बात भी किसी और टॉपिक में करेंगे। अच्छा टॉपिक है, इसको छोटा नहीं बनाते, इसको ग्रैंड बनाएंगे ना। डिप्रेशन में ना हो। हाँ उस बंदे की बात ये है कि कहीं ना कहीं वो जिस चीज में भी था दारू पीने की, ये नहीं है कि मजा क्या आती, मजा कुछ भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, बट उस चीज को हावी नहीं होने देना और लड़के वापसी आना है बस ये बात है। जहाँ जो हनी सिंह के साथ हुआ वो करेंगे फिर से डिस्कस, इसके बारे में अच्छा टॉपिक बनाएंगे। और अब मैं आता हूँ गोल्डन विंग्स पे। गोल्डन विंग्स इज़ नॉट रिकमेंडेड जो टेस्ट लवर्स हैं और जो बहुत रॉयल्टी में पीते हैं। बाकी अगर स्ट्रॉन्ग विस्की पसंद करते हैं तो उठा लेना, सस्ती और बढ़िया है। बाकी मैं इसको दूंगा 5 में से 3 पॉइंट्स, क्योंकि जिनका काम स्वाद से नहीं होता उनका नशे से तो हो ही जाता है। बाकी रिकमेंडेड फॉर हार्ड लवर्स एंड नॉट रिकमेंडेड फॉर सॉफ्ट लवर्स, समझ रहे हैं आप। सॉफ्ट वाले ऑल सीजन एंड डेली वाले लगा ही सकते हैं। बाकी आज का पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर बताना, भाई की बातें कैसी लगी, मेरी कैसी लगी, और नया कंटेंट दिखाने की आपको कोशिश करी उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करना। अच्छी एडिटिंग होएगी सोच रहा हूँ, कोशिश करूँगा। नहीं हो पाए अगर प्लेन वीडियो आए तो माफ़ करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू।